Hello everyone, I Professor Aditya Agrawal heartily welcomes you to my YouTube channel of Quantity Surveying and Costing. Okay, last time हमने numerical करा था lime concrete का, I hope आप लोगों को clear होगा. आज की numerical में हम lime concreting तो कर रहे हैं, बस difference ये है कि lime concreting हम जो कर रहे हैं वो terrace roof पे कर रहे हैं, ताकि वो as a waterproofing हमारे लिए काम कर सके. आज के time पे हमारे पास बहुत सारे waterproofing के agents आ गए. For an example हम Dr. Fixit वगैरह डाल देते हैं, या फिर हम Koba वगैरह करवा लेते हैं, but कुछ टेक्नोलॉजीज जो है वो पुरानी टाइम की, वो आज भी हमारे लिए वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है. तो हम क्या कर रहे हैं, लाइम कॉन्क्रीटिंग टेरेस रूफ में कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिक बैलास्ट. ओके, जैसा हमने लास्ट टाइम करा था, हमारे पास प्रोपोर्शन 15.0 से लेके 15.5 तक है. तो अभी मैं प्रोपोर्शन 15.2 डिवाइडेड बाय हमारा जो प्रोपोर्शन है 1 + 2 + 4, व्हाट विल बी द रिजल्ट, इक्वल्स टू 15.2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 4. तो हमारे पास प्रोपोर्शन की वैल्यू आ जाएगी 2.17. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल गया, यहाँ पे हमारे पास व्हाइट लाइम निकल गया 2.17. अब जब व्हाइट लाइम इतना है तो सुर्खी कितना होगा, सुर्खी 2 टाइम्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 × लाइम, वो हमारे पास आ गया 4.34. ओके, अब इसके बाद हमको ब्रिक बैलास्ट यूज होगा. ब्रिक बैलास्ट मतलब कितना, वही हमेशा की क्वांटिटी 10 क्यूबिक मीटर, और इसका जो रेट है वो 25 mm के लिए 6500. ओके, ये पूरे 10 मीटर क्यूब के लिए सेम कॉस्ट रहेगी. अब इसके बाद जब हम टेरेस पे बिछा रहे हैं, तो टेरेस पे बिछाने के लिए हमको कुछ गुड़ जैसा कुछ लगता है, एक तरीके का बाइंडिंग एजेंट, तो उसको हम कहते हैं मोलासेस. व्हाट वी डू वी नो अस मोलासेस. इसकी क्वांटिटी एक लमसम हम मान के चलते हैं कि 12 से 15 किलो लगेगी, हम 15 kg लेकर चलते हैं. ओके, फॉर 10 क्यूबिक मीटर. फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास बेल फ्रूट. बेल फ्रूट भी एक तरीके का बाइंडिंग एजेंट रहता है, जो कि एक तरीके का सॉल्यूशन है, और उसको हम मिला रहे ताकि वाटरप्रूफिंग की तरह काम कर सके. इसकी वैल्यू हम लमसम काउंट कर सकते हैं, लमसम मतलब इसकी वैल्यू अपन 500 rupees लेके चल सकते हैं. ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द रेट्स. व्हाइट लाइम का कितना रेट है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था 1600 rupees. सुर्खी का रेट है 1200 rupees, और मोलासेस का जो रेट चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 100 rupees पर kg. ओके, so cost will be equals to quantity into rate, that will be our cost. तो ये हमारे पास निकल जाएगा, ये दोनों factors आ जाएंगे. brick की cost हमारे पास fix रहेगी, फिर molasses की cost हमारे पास यहाँ से निकल जाएगी, और लमसम हमारे पास 500 rupees है. तो total cost of material कितनी आएगी, again with the formula of sum, this plus this plus this, यहाँ से हमारे पास total cost of materials आ गया 17,180. okay, now अब हम हमारे पास मैसन्स की बात करते हैं. इसमें मैसन्स हमने लास्ट टाइम 1/2 लिया था, ये थोड़ा सा एक एज अ हमारे पास स्किल लेबर टाइप का वर्क रहता है, तो इसमें हम मैसन जो लेते हैं वो 3/4 ले लेते हैं. ओके, 3/4 हम मैसन्स में ले सकते हैं. इसमें फॉर्मेट सेल्स करके हम इसे नंबर शो कर देते हैं. अब इनसे लेते 3/4. मैसन्स हमको जनरली 2 लगते हैं, इस केस में 3 ले लेते हैं. मजदूर हमको 15 के आसपास लग ही जाएंगे, मिस्त्री हम 12 ले लेते हैं, कुली हम 3 ले लेते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यू चलेगी वो लमसम आएगी. ओके, नेक्स्ट हेड मैसन का रेट 450 rupees, 425 rupees, 380 rupees, 350 rupees, 320 rupees, और लमसम हम 1000 rupees लेकर चलते हैं. तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर्स आ जाएगी. लेबर्स की कॉस्ट मतलब दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाय दिस. तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से लिख लेंगे इसकी कॉस्ट 1000 rupees है, और यहाँ पे हम फिर से सम का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे. तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई मटेरियल्स और लेबर की. तो यहाँ पे हम फिर से टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस लेबर, हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर. अब इसमें हमको 1.5 से 2% पानी का लेना है, तो हम जनरली 2% देते हैं, मीन्स 0.02 × टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर इक्वल्स टू दिस इंटू दिस. ये आ गई हमारे पास 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, मतलब 0.1 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, ये आ गई. देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, इन सभी का सम, दैट विल बी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस. मतलब हमको 10 क्यूबिक मीटर की हमारी कॉस्ट आ रही है 34331. तो 1 के लिए कितनी आएगी, 34331 डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल्स टू रुपीस 3433 rupees. मतलब हम अगर ब्रिक बैलास्ट यूज कर रहे हैं हमारी छत बनाने के लिए, तो 1 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट इतनी आएगी. ओके,
बट अगर हम ब्रिक की जगह स्टोन यूज करते हैं, एक और हम इसमें शीट क्रिएट करते हैं और इसको स्टोन के नाम से रिप्लेस करते हैं, स्टोन। अगर हम स्टोन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रिक बेलास्ट की जगह हम क्या कर लेंगे, स्टोन बेलास्ट। क्वेश्चन में भी हम कर देंगे यहाँ पे स्टोन बेलास्ट। अब स्टोन बेलास्ट की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 4 times ऑफ लाइन, मतलब 4 into line, तो ये हमारे पास आ गई 8.68। और स्टोन बेलास्ट का जो रेट चल रहा है वो 2300 rupees, तो ये हमारी क्वांटिटीज कितनी चेंज हो जाएगी, हमारी मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी 30,000, हमारी लेबर की कॉस्ट कितनी है सेम रहेगी, टोटल कॉस्ट आ गई 44,000, पानी आ गया 82 rupees, 882 कॉन्ट्रेक्टर प्रॉफिट, तो टोटल कॉस्ट में हमारे पास वेरिएशन आ रहे हैं यहाँ पे 49410। तो अगर मैं 1 cubic meter की बात करता हूँ तो 49410 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 4941, मतलब इस केस में मेरे पास क्या आ रहा है, 5000 के लगभग हमारे पास कॉस्ट आ रही है 1 cubic meter काम करने के लिए। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पुट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।